उत्तर शहर के अंदर घूम घाम करके और स्टेशन पर आ जाते हैं और स्टेशन मास्टर से टिकट लेकर के तो गाड़ी में चढ़ जाते हैं। तो चंद्राज इस समय गाड़ी के अंदर बैठ जाती है तो देखिए क्या नौबत बीतती है उसके साथ, जैसे आगे भाई बताते हैं। जाती है तो भीड़ में हाथ का छिड़कंगड़ जो नीचे रह जाता है तो चंद्रावती लेने के लिए नीचे आती है और गाड़ी चल देती है। सतपाल गाड़ी के अंदर बैठा हुआ चला जाता है और चंद्रावती स्टेशन के ऊपर रह जाती है तो वहां रोती है और धन में जाती है कि हे पति देव हे पति प्यारे आज मुझे यहां पर कहां छोड़ गया। तो भाई ये बताते हैं जैसे कहा है हवा जब तेज चलती है तो पौधे झूम ही जाते हैं, हवा जब तेज चलती है तो पौधे झूम ही जाते हैं, नहीं जब बात मिलती है तो पुरानी को भूल ही जाते हैं। तो लड़की को वो पहली बातें याद आने लगी
कि तेरे सास सर और घर कुंबा सारा इनकार कर रहा था, अगर उनकी मान जाती तो आज अच्छी रहती। तो देखिए लड़की रोती हुई और कहां पहुंचती है, स्टेशन मास्टर के पास पहुंच जाती है। तो स्टेशन मास्टर उस लड़की की हालत को देख करके, उसके जवाहरत को देख करके और कैसे मोहित होता है, और दिमाग के अंदर कैसा आदमी था, जैसा ये सुनील पड़ो बड़ा पापी था वो, और उसके दिल के अंदर छल आ जाती है। तो लड़की के जवाहरत को देख करके और अपने नौकर को बुलाता है, और नौकर से क्या कहता है सुनने की बात। बाबू के पास पहुंचती है तो बाबू अपने चपरासी को बुला लेता है और चपरासी को समझाने लगा कि आज बहुत बढ़िया माल हमारे पल्ले पड़े हुआ है। कैसा माल, जैसा श्यामला बतावेगा। चपरासी को समझा दिया अच्छी तरह से और लड़की से कहने लगा कि बेटी जा,
हमारे चपड़ास के साथ जा और हमारे घर जाकर आराम करो, सुबह दिन निकलने से पहले आपके पति को मिला दूंगा मैं। तो लड़की चल देती और क्या रास्ते में क्या नौबत मिलती है उसके साथ। चल देती है तो अपने दिल के अंदर घबराती है कि हे भगवान आज क्या होगा। तो चपरासी लड़की को रास्ते में समझाने लगता है, क्या तेरी जो जान खतरा में है, हमारे बाबू धन के लोभ में आकर के और तेरी जान खत्म करवाएंगे, तुझे भागा जा तो भाग जा। तो देखिए क्या करती है लड़की और क्या होता आगे। भाग जाती है और भाग दौड़ करके एक होटल के ऊपर पहुंच जाती है। होटल वाले से रिक्वेस्ट करती है कि भाई एक रात मेरी कटलेट दे। तो होटल वाला किस तरह लड़की को समझाता और क्या बताता है। Oh,
थक गई चंद्रा की चिंता बच गई रे चंद्रा जाती है लड़की तो होटल वाला कहने लगा कि बहन चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरा चौबारा खाली है और ऊपर जाकर आराम करो। तो चंद्रा चौबारे में चढ़ जाती है और क्या होता है सुनने की बात है। तो इतिहास का जो जी होता है तो सुनने की बात है क्या। ऊपर चौबारे पर चढ़ जाती है तो होटल वाला हत्यारा के दिल के अंदर बड़ा पाप दे होता है और क्या सोचता है दिल के अंदर, अपना छुरा लेकर के और चौबारे की कवाड़ बंद कर लेता है और चंद्रा के ऊपर पहुंच जाता है। तो चंद्रा हाथ जोड़कर कहने लगी कि भाई मुझे बख्श दे, मैं आपकी काली गाय हूं। लेकिन उस दयाल नहीं करता है अत्यारा और लड़की को खत्म कर देता है। तो देखिए क्या होता आगे और क्या होगा फिर। Yeah!
अच्छा जी प्रेमियों, जिस समय वो लड़का सतपाल वापस आ जाता है और घूम अमृतसर के अंदर घूम घाम करके और प्लेटफॉर्म मास्टर से पूछ लेता है, वो इनकार कर देता है, तो सिंदूरा फूट आता है, दिल के अंदर सोच लेता है कि बहुत दिन टाइम हो गया परेशान होते हुए, अब तो सुबह के टाइम है, खाना खा ले तू, उसके आप बाद में जो कुछ होगा वो देखी जाएगी। तो लड़का खुद उसी होटल के ऊपर जिस पर चंद्रा की हत्या हुई थी और उस होटल के ऊपर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और होटल वाले से कहने लगे कि भाई एक थाली खाना जल्दी से लाओ। तो होटल वाला बड़ा खुश होता है कि सुबह सुबह आज तो बहुत जल्दी से ग्राहक आ गया। तो होटल वाला किस तरह से खाना लगाता और कैसे खाता है वो लड़का सुनने की बात है। सब्जी बना करके लड़के सतपाल के सामने रख दी तो सतपाल ने क्या देखा कि प्लेट के अंदर चंद्रा की गुठी है। तो मेहरबान हो गुठी को देख करके सतपाल सोच लेता है कि चंद्रा तेरे हाथों से छूट गई। तो सतपाल कहां पहुंचता है, थाने में रिपोर्ट कर देता है और होटल वाले को बंद करवा देता है और हमारा आज का प्रोग्राम यही खत्म होता है।